असल मैं हूँ फरुख नदीम इस्पायर के एक नए टोरियल के साथ आज का जो हमारा टटोरियल है वो बिल्कुल जो सीरीज़ हमारी स्टार्ट हुई हुई है थ्री की उसी से रेलिवेंट है आज हम एक पत्ते को डिज़ाइन करेंगे लीफ को डिज़ाइन करेंगे जो कि हमारे वुड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो आगाज़ करते हैं इस्पायर टेन पॉइंट फाइव लें या इस्पायर नाइन पॉइंट फाइव लें दोनों में ये काम बसानी हो सकता है तो सबसे पहले हमें इसको ट्रेस करना होगा तो ट्रेसिंग आज ट्रेसिंग भी हम साथ करेंगे बहुत आसान है इसी तरह से आप लोगों की ट्रेसिंग के ऊपर भी प्रैक्टिस हो जाएगी सबसे पहला काम आपने उस लीफ का साइज़ देना है कितने साइज़ में आप लीफ डिज़ाइन करना चाह रहे हैं और उसके मुताबिक मैं अगर इसको हंड्रेड बाय हंड्रेड पे ही लेता हूँ मिड के साथ और इसकी वेरी हाई क्वालिटी पे मैंने ओके okay किया जैसी फाइल रेडी हुई आपको इसमें इंपोर्ट करना होगा मैं यहाँ पे फ़ाइल को इंपोर्ट कर रहा हूँ जैसे फ़ाइल इंपोर्ट की तो यहाँ पे हमारे पास फ़ाइल शो होना शुरू हो गई इसकी देखिए सिलेक्ट डिसलेक्ट पे उसकी जो विजिबिलिटी है वो डिस्टर्ब होती है तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में आके इसको फुल करना होगा ताकि सिलेक्शन पे हमें ये डिस्टर्ब ना करे तो जैसे मैंने पहले कहा कि आज हम लोग साथ ट्रेसिंग भी करेंगे तो मैं इसको एक साइड से पहले ट्रेस करूंगा क्योंकि ये दोनों साइड इसकी सिमेट्रिकल जा रही हैं तो ट्रेसिंग के लिए बहुत जो आसान तरीन इसकी प्रैक्टिस है किसी एक साइड को जूम करने के बाद यहाँ पे देखें अब दो तरीके हैं कि आप सबसे पहले एक लाइन को यूज़ कर लें मैं यहाँ से ये देखें ये लाइन यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर जैसे ही आपको ये आसान लगे अभी ये लाइन में सिंपली इसी तरह से सेलेक्ट करता जा रहा हूं कोई इसमें कर्व ऐड नहीं कर रहा कर्व ऐड क्यों नहीं कर रहा कर्व हम बाद में इसमें ऐड कर सकेंगे यहां पे देखें जहां पे आपको शार्प एज चाहिए वहां पे शार्प रखें वरना उसमें एक स्टेप डाल दें देखें कुछ जगह पे मैं उसको स्टेप डाल रहा हूँ ताकि आपकी दोनों एंड पे प्रैक्टिस हो जाए जैसे यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है अगर आपको ये जो यहाँ पे उसकी गाइडलाइंस आ रही हैं अगर आपको ये डिस्टर्ब कर रही हैं तो आप यहाँ से टोटल स्मार्ट ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑफ भी कर सकते हैं इसी तरह से जो मेट्री स्नैपिंग को भी आप ऑफ करेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी फिर बसानी आप करते जाएंगे वैसे बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि फ्रीली आप इस पर काम करें ताकि ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब ना करें क्योंकि आपने फ्रीली उसको ट्रेस करना है तो इस तरह से ये मैंने इसको ट्रेस कर लिया यहाँ तक इसके मिड तक अच्छा जैसे ये लाइन आपके पास आ गई अब आप नोड को यूज़ करें कि मैंने एन प्रेस किया नोड के लिए और यहाँ पे जैसे ये देखें इन दो नोट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर करके मैं स्मूथ करता हूँ तो अच्छा एक चीज़ ज़िन में रखिएगा कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये नोट अगली लाइन के लिए है जैसा यहाँ पे अगर आप देखते रहे तो, तो इधर से ये चल रही है ना इस इस रुख पे तो नोट के एक साइड से फर्ज करें मैं अगर इस पर आके राइट क्लिक करके स्मूथ करता हूँ तो ये स्मूथ होगी और अगर मैं इस पर आ राइट क्लिक करता हूँ तो ये स्मूथ एक्चुअली वो दोनों साइडों को स्मूथ कर रही है इधर लाइन बड़ी है इसलिए वो कर्व ज्यादा फील हो रही है इधर लाइन छोटी इसलिए कर्व फील नहीं हो रही है और अगर आप यहां पे आके इसको स्मूथ करना चाहते हैं तो इंसर्ट पॉइंट करके इसको यहां पे आप स्मूथ बोलेंगे तो ये दोनों साइडें उसकी स्मूथ होंगी ये देखे ये यह मैंने यहाँ पे इसको स्मूथ में से कर दी ये चीज बन गई अब इसी तरह से अगर ये वाली लाइन को मैं यहां पर स्ट्रेट करता हूँ और इस लाइन को ड्रैग करके मैंने यहाँ पे किया और इसको भी मैं यहाँ पे स्मूथ करता हूँ तो ये देखो उसने ऑटोमेटिकली दोनों को स्मूथ कर लिया क्योंकि मैंने उस लाइन को पहले ही उस पोजीशन पे जाके छोड़ा जहाँ पे मैं स्मूथनेस एड करनी ये देखिए जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे लेके आता हूँ और यहीं पे राइट क्लिक करूँगा तो उसको साथ ही वो स्मूथनेस दे देगा और मैं थोड़ी सी एंकर्स की एडजस्टमेंट के साथ उसको यहाँ पर बना सकूँगा स्मूथ तो ये अब देखिए इस साइड पे ये वही मसला जो हम वहाँ पर कर करके आए अगर मैं यहाँ पे आके इसको राइट क्लिक करके स्मूथ करता हूँ तो ये देखिए उसने दोनों साइडों पे स्मूथनेस ऐड कर दी तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मैनअली भी उसको एडजस्ट कर देते हैं ये देखिए अच्छा एक चीज़ ज़रूर ज़े में रखिएगा कि इनका आपस में स्मूथ होना बहुत जरूरी है अगर आप वैसे नहीं कर सकते तो देखिए आप जैसे यहाँ पे स्मूथ पे आएंगे तो ऑटोमेटिकली उसको उसके साथ स्मूथ कर लेगा इसी तरह से चलते चलते अगर हम जहाँ जहाँ पे डबल डबल स्टेप दिए हुए हैं, यहाँ से थोड़ा सा इसको बाहर निकाल के राइट क्लिक करके स्मूथ करेंगे तो देखिए स्मूथनेस उसकी बनती जा रही है ये मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत तेज़ी से आप ये काम कर सकेंगे और आपको आइडिया भी हो रहा होगा कि मैंने किस जगह पर किस तरह से परफॉर्म करना है ये देखें इसी तरह से यहाँ पर आ जाए इसी तरह से इस कार्नर को थोड़ा सा मैंने बाहर निकाला और स्मूथ ऐड किया और उसके बाद आप इनकी मदद मतलब से इन एंकर्स को सिलेक्ट करें और इसमें थोड़ी सी स्मूथनेस ऐड कर दें यहाँ पे भी अगर आप थोड़ी स्मूथनेस ऐड करना चाहते हैं तो इसको भी मैंने एस प्रेस किया अच्छा आप एस प्रेस या राइट क्लिक करने के बजाय सिर्फ यहाँ पर एसप्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो भी वो फंक्शन अप्लाई हो जाएगा मैं बार बार आपको दिखाने के लिए करता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि काम एक्चुअली हो क्या रहा है पीछे ये देखिए मैंने सिंपल एक्सप्रेस किया अब इस पे भी मैंने एक्सप्रेस किया और इस पर भी मैंने आके एक्सप्रेस किया सिर्फ पॉइंटर को उसके ऊपर लेके जाना जरूरत है और कुछ भी करने की जरूरत है ये देखें ये मैंने किया अब यहां पे चूंकि हमने ये देखे मैं थोड़ी सी गुलाई यहां पे ऐसे दे सकता हूं थोड़ा सा यहां से इसको बाहर निकाला और ये देखिए यहां पे आके एस्प्रेस किया और इसको वैसे मैंने मैनुअली एडजस्ट कर दिया थोड़ा सा पीछे ले जाके एस्प्रेस कर दें सिर्फ अपने नोड्स को थोड़ा सा मूव करना है बाहर की तरफ ताकि उतनी गुलाई वो सेट कर ले ये देखें इस तरह से इसको मैंने यहां पे लाके साथ ही एक्सप्रेस किया थोड़ा सा इसको बाहर लाके के किया और इस पर भी एक्सप्रेस कर दें इस पे भी आके मैंने एक्सप्रेस किया तो ये देखें यहां पे इतना काम हो गया अब ये जो एक साइड आपने बना ली इसको बनाने के बाद आप इसको मिरर करके देखें इस जगह पे इसको मैंने थोड़ा सा बाहर निकाल के एसप्रेस किया और एसप्रेस यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली उसने उसकी कर ली ओके आ, इसको मिरर में लेके आते हैं ये मैंने मिरर किया और लेफ्ट साइड पे इसकी कॉपी डाली तो ये देखें सेम दोनों साइडों पे एडजस्ट हो गया अब बास आदि इन दोनों को सेट करके जे प्रेस करके आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं या राइट क्लिक के साथ आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं तो इस तरह से ये देखें दोनों सिरे इसके इधर से भी और इधर से भी दोनों सिरे उसके जॉइन हो गए अच्छा ये तो हमने एक उसकी जो आउटर प्रोफाइल है वो बना के रख ली उसके बाद अब इसका चूंकि हमने थ्री डी इफेक्ट बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा किस तरह से करेंगे तो एक ये बात दूसरी बात यहाँ पे देखें मैं ये वाला जो अभी डिज़ाइन बनाया इसकी एक लेयर हमें बनाना होगी राइट क्लिक करके यहाँ पे देखें मूव टू न्यू लेयर यहाँ पे मैंने एक नई लेयर बनाई उसका नाम रखा ओके okay करके ये मैंने एक लेयर बना दी अब इसके अंदर ये जो uh, इसके रूट्स बने हुए हैं अब इनके ऊपर हमने काम करना है तो इन पे काम करने का तरीका अब आपको आइडिया हो गया कि किस तरह से आपने ट्रेसिंग uh, करनी है मैंने या ये देखे यहाँ से आ, ये लाइन ली इसकी थिकनेस देते हुए मैंने यहाँ पे ला के ये लाइन ख़त्म की और दोबारा से यहाँ पे और ये मैंने उसको आप समझ लें कि बिल्कुल मैं इसके करीब ला के यहाँ पर छोड़ता हूँ अच्छा इससे बेहतर ये देखे इससे बेहतर ये ये मैंने एक पॉइंट दिया दूसरा पॉइंट ये दे दिया अब इसको एन प्रेस करें यहाँ पे आके मैंने उसे स्मूथ कहा और ये मैंने रूट उसको बनाने के लिए लाइन को थोड़ा सा स्मूथ किया अच्छा अब इसको एक तो ये है कि आप नए बना लें यानी एक और लाइन या दूसरा कंट्रोल सी कंट्रोल वी के साथ मैंने इसको यहाँ पे बाहर निकाल दिया थोड़ा सा और नोड की मदद से इस सिरे को मैं इसके करीब करता हूँ और इस सिरे को करीब करता हूँ तो ये एक रूट बना अच्छा अब इसके बाद मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया ये और हमारे पास जॉइन की कमांड मौजूद है और यहाँ पे जॉइन के अंदर हमारे पास आता है जॉइन क्लोज यहाँ पे हमारे पास आता है जॉइन क्लोज वेक्टर विद अ स्मूथ कर्व तो ये देखें मैं जैसे ही सिलेक्ट करूँगा तो इधर उसने स्मूथ कर्व लगा दी इसी तरह से मैं दूसरी दफा फिर करूँगा तो उधर भी उसने स्मूथ कर्व लगा दी तो ये देखें ऑटोमेटिकली स्मूथ कर्व हो गई ऐसे ही आ, ये वाली जो कर्व है इसको मैं आ, मिरर करवा के दूसरी तरफ कर देता हूँ लाइक ये मैंने किया और इसको आप ड्रैग करके यहाँ पे एडजस्ट कर दें और देखें अब थोड़ा सा इसमें हमें ये वाला फर्क रोटेशन की मदद से डालना होगा ये देखें ये लाइन आ गई ऐसे ही नीचे भी हमने वही वाला काम करना है तो आप उसको आर्क की मदद से भी कर सकते हो ये देखो मैंने यहाँ पे ये आर्क लगाई ये अच्छा अब इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके मैंने यहाँ पे ये इतना सा किया अब ये देखिए ऐसा ना हो कि इससे चुड़ाई ज़्यादा हो जाए ये डिज़ाइन की खूबसूरती भी आपने मेंटेन रखनी है मैंने इसको इसके करीब किया अब ये आपने कंपैरिजन रखना है कि दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हों ऐसा ना हो कि वो चीज़ कुछ और बन जाए ये देखें मैंने दरमियान से इसको उतना फिर खींच के कर दिया जितनी ये चल रहा है तो ये चूँकि साइज छोटा है चौड़ाई थोड़ी सी उससे कम रखेंगे तो खूबसूरत बन जाएगा तो इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया राइट क्लिक करके आ, इनको जॉइन में ले के आता हूँ और जॉइन करूँगा विद स्मूथ कर्व ये देखें इधर से उसने स्मूथ कर्व लगा दी अगेन इसको आ, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ विद द स्मूथ कर्व अच्छा ये चूँकि अभी उसकी नोड्स सेलेक्ट हुई हुई हैं तो आप अगर यहाँ पे आएंगे तो आसानी हो जाएगी विद स्मूथ कर्व ये देखिए दूसरी साइड पे भी स्मूथ कर्व लग गई इसी तरह से आ, इसकी मैं कॉपी मिरर के साथ लेता हूँ और इसको यहाँ पे लेके के आऊँगा और थोड़ा सा रोटेट करके ये यहाँ पे रखा तो इस तरह से अप्रोक्सीमेटली वो, वो पोजिशन जो थी वो मैंने यहाँ पर उसको दी तो ये आ, दो साइडें मतलब हम पैरल सेट कर रहे हैं ड्यू टू आ, उसकी कह लें कि दोनों इक्वल हैं एक, एक जैसी शेप में है तो हम मिरर से बासानी ये काम कर पा रहे हैं मैं यहाँ पे फिर ये वाला जो उसका रूट है यहाँ से मैं उसको यहाँ तक एक कर्व दे रहा हूँ और थोड़ा सा इसको खोल देते हैं रेडियस बायर की तरफ किया Uh, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ से कॉपी मिरर के साथ करूँगा तो ये देखिए जैसे ही मैं इसको मिरर के साथ करूँगा तो इसको एरो की से मैंने थोड़ा सा मूव करवा लिया बाहर की तरफ ये देखें ये मूव करके दोनों को सेट करें और यहाँ पे मैंने दो दफा उसको स्मूथ कर्व के साथ मैंने ज्वाइन किया तो ये शेप क्रिएट हुई इतना काम किया अब इसका जो बाहर जो एक ये वाला रूट है ये जो उसका हिस्सा है इसको डिज़ाइन करते हैं तो इसको डिज़ाइन करने के लिए आप आर्क का सहारा ले लें ले या फिर लाइन का सहारा ले लें दोनों चीज़ें यहाँ पे चलेंगी ये देखें मैंने ये डिज़ाइन किया और इसी तरह फिर मैंने एक कर्व यहाँ पे ली और दूसरी कर्व यहाँ पे लेके इसको इसके मुताबिक मैंने ये रख दिया तो ये दो कर्व्स यूज़ हुई अब मैं एक तीसरी कर्व यहाँ पे लगा सकता हूँ ऐसे या फिर इनको क्लोज़ करूँगा तो वो बहुत बड़ी बन जाएगी तो मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ से इसके सिरे के करीब ला के ये मैं उसको पोजिशन देता हूँ इसी तरह से इस साइड पे हम उसको ऑटो क्लोज पे भी ले जा सकते हैं तो ये मैंने सेलेक्ट किया इनको राइट क्लिक करके पहले इसे जॉइन करें फिर यानी ये एक दूसरे के सिरे को खींच के ऊपर पूरा कर लेगा क्योंकि उसके बाद फिर हमने ये स्मूथ कर्व के साथ इसको यहाँ पे जॉइन किया तो ये हमारे पास आ, ट्रेसिंग जो है वो आलमोस्ट कंप्लीट हो गई अब इसके बाद इस पत्ते के ऊपर हमने थोड़ा सा जो हम थ्री डी इफेक्ट्स देना चाह रहे हैं कि थ्री डी में ये कैसा बनेगा तो उसके लिए मैं आपको एक बड़ी शानदार टेक्निक देने जा रहा हूँ आपने इसको थोड़ा सा बाहर ऑफसेट ले लेना है ये देखिए इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे मैं उसको आउटवर्ड ऑफसेट कह रहा हूँ और ये जो उसके क्रिएट शार्प ऑफसेट कार्नर को मैं ऑफ कर रहा हूँ और इसको ऑफसेट करें ये देखें बाहर ये वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है इसको मैं तीन पे करता हूँ ताकि हमारी रेंज में रहे तो ये जो डिज़ाइन बना वो आपके सामने मौजूद है तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि जो सिलेक्शन है वो हमारे कैनवस के अंदर ही रहे सो so, ये देखिए अब इतना काम किया क्लोज करें मॉडलिंग में आ जाए हम यहाँ पे डबल विंडो करते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें दोनों व्यूज़ को देखते हुए सबसे पहले ये जो हमने आउटर बाउंड्री क्रिएट की इस आउटर बाउंड्री को सेलेक्ट uh, करें शेप में आ जाए शेप में आने के बाद आपने इसको यहाँ पे कर्व प्रोफाइल के साथ इसको बेस हाइट देखे यहाँ पे उसकी हाइट में जीरो कर रहा हूँ और उसकी ओवरऑल हाइट जो है वो मैंने यहाँ पे 4.5 की आ, और स्केल टू एग्जैक्ट हाइट इसको अप्लाई करें जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये देखें इस तरह से ये हमारे पास उसकी आ, शेप आ गई इसका एंगल थोड़ा सा कम करते हैं ये देखें जितना हम कम करते जा रहे हैं उसमें उतनी स्मूथनेस आती जा रही है तो अगर मैं इसको लिमिट के साथ रखूंगा तो ये देखें फिर कुछ शेप इस अंदाज से बनेगी तो अगर मैं विदाउट लिमिट करूंगा तो शेप इस अंदाज से बनेगी अब इस डिजाइन को आपने जहन में रखते हुए सारा काम करना ये देखे ये आ, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती मैं यहां पे स्केल टू एग्जैक्ट हाइट के साथ जा रहा हूं और यहां पे उसकी हाइट जो है वो मैं थोड़ी सी कम करूंगा 2.5 के साथ कर रहा हूं अप्लाई करेंगे तो ये चीज बनेगी ये देखें अब उसकी शेप थोड़ी स्मूथ आ गई ये थिकनेस भी ऐड हो गई और स्मूथ भी आ गई अच्छा ये हमारे पास एक ऑप्शन है टिल्ट का ये उसमें टिल्ट का ऑप्शन दूंगा टिल्ट कितना करना है ये देखें ये देखें ये उसने टिल्ट कर दिया तो खैर ये टिल्ट चुके इन साइड पे हुआ है दस डिग्री आ, इसको हम यहां पर एक डिग्री कहते हैं और अप्लाई करते हैं ये देखें जी मैंने माइनस वन डिग्री दी तो क्या हुआ उसने जो मैंने पॉइंट यानी यहां पे मैंने मार्क किया था ना उस पॉइंट को उसने फॉलो करते हुए इधर से 0 और इधर से दस डिग्री बढ़ा दिया अच्छा अगर मैं आ, ये पॉइंट इधर मार्क करता तो क्या पोजीशन बनती ये देखें अब आपके सामने है सारा अब वो मेरे पॉइंट की सिलेक्शन पे बेस करता है वो नीचे की तरफ चला गया तो इसको मैं पॉइंट एट करता हूं पॉजिटिव में अब ये देखें बाहर आ गया अच्छा अब समझिएगा जरा पता जैसे जैसे लंबाई की तरफ जा रहा है वो बारीक होता जा रहा है जहां से पता स्टार्ट हो रहा है वहां पे उसकी थिकनेस मौजूद है थिक हो गया तो ये बेसिकली इसमें हमने चीज ऐड करनी थी ऐड करने के बाद अप्लाई किया और इसको यहां पे मैं क्लोज कर रहा हूं यानी ये पहला कंपोनेंट जो है वो मेरा क्लोज हो गया इसको अब रिनेम कर सकते हैं ये मैंने आ, उसको रिनेम किया बॉडी के नाम से लीफ बॉडी पे अब आप ये देखें ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और इसके साथ अब ये जो सेक्शन हमने आ, उसका बाउंड्री बनाई हुई इसको सेलेक्ट करें और हमने इनसाइड को सेव करना है तो ये यह देखें यहां पे इस फीचर को अप्लाई करें तो ये देखें ये चीज़ बन गई ये फ़ीचर यूज़ किया आउटर सारा कुछ आपने रिमूव कर दिया अच्छा अगर आप इस लाइन को यहाँ पे भी गुजारते तो इसमें और ख़ूबसूरती आ जाती ये भी आप प्रैक्टिस करके देखिएगा ये लाइन जो हमने ऑफसेट बनाई थी यहाँ से गुजरती तो इसमें यानी गैप थोड़ा सा रख के यहाँ से गुजारी जाती या इसकी जो हमने ऑफसेट वैल्यू तीन रखी थी वो दो या कम कर लेते तो भी ये बड़ा अच्छा बन जाता बरल अभी भी बहुत अच्छा है वेरी गुड अब इसके बाद अब इसके अंदर हमने आ, जो ये जो रूट्स बने हुए हैं इनको सेलेक्ट करना है ये देखिए, मैं तमाम रूट्स सेलेक्ट कर रहा हूँ इनको सेलेक्ट करने के बाद आ, फिर हम यहाँ पे एक्सट्रूड की कमांड को या उसकी शेप की कमांड को यूज़ करते हैं और बेस हाइट उसकी मैं वन कर रहा हूँ अप्लाई करें ये देखिए जी अब चूंकि यहां पे उसको थिकनेस दी हुई है मैं नो लिमिट के साथ करता हूं तो ये अच्छा यहां पे मैं उसको अगर मर्ज में लेके आता हूं तो फिर मुझे उसकी जो हाइट है वो ज़्यादा करनी पड़ेगी अच्छा वो बेस हाइट ये देखें उसमें से निकलेगी बेस हाइट ये आई अगर मैं बेस हाइट को ज़ीरो रखता हूं इसको यहां पर तीन पे रखता हूं ये देखें यह चीज़ उसमें बन गई अब इसमें हमने स्मूथनेस भी ऐड करनी है और बहुत सारी चीज़ें तो मैं लिमिट टू हाइट पर लेके आऊंगा तो यहां पे देखिए उसकी हाइट हम बढ़ा देते हैं अब मैं यहां से उसको जीरो कर रहा हूं और यहां से उसको मैं फाइव कर रहा हूं तो अप्लाई करके देखिए ये चीज बनी ये देखिए उसके अंदर से वो रूट्स निकल है इसको नो लिमिट किया मैंने ताकि वो जितनी उसकी चौड़ाई है उसके मुताबिक उसने उसकी हाइट को मेंटेन कर लिया अब अगर आप उसकी वैल्यू कम ज्यादा करना चाहते हो तो आप एंगल की मदद से कर सकते हैं ये देखें जितना उसको एक शार्प करना चाहते हो उतना आपको एंगल बढ़ाना होगा तो ये चीज़ बनेगी और अगर आप इसकी शेप थोड़ी सी इस तरह से करना चाहते हैं तो ये देखें ये शेप बन जाएगी लेकिन ये यहाँ पे जचेगी नहीं हमारी ज़रूरत ये नहीं है वैसे आपको बताने के लिए एक्चुअली जो हमारी ज़रूरत है वो यही वाली स्मूथ uh, शेप ही है उसमें तो ये देखिए इसमें uh, ये उसके रूट्स बने ऐसे ही मैं इसको क्लोज़ करके बाहर आता हूँ और उसके बाद ये जो वाली जो उसकी शेप है इसको सेट करते हैं और अगेन मैं शेप पर ही लेके जा रहा हूँ शेप पे ले जाके इसको मैंने जैसे अप्लाई किया तो ये देखें अच्छा अब यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि जो हमें प्रॉब्लम आ रही है वो ये वाली है जो समझ रहे हैं कि वो उसके साथ मर्ज मर्ज नहीं कर रहा बल्कि उस शेप के ऊपर से उसकी शेप दे रहा है तो मैं इसको अगर मर्ज पर ले के जाऊँगा तो ये चीज़ आएगी अब यहाँ पर मैं उसका एंगल भी बढ़ाऊँगा ये देखें थोड़ी सी अगर बेस हाइट देना चाहते हैं तो आप ये देखें हाइट दे ताकि चूंकि मेन उसका जो रूट है मेन लिंक है वो देखें उसके साथ बन गया अगर आप इसकी हाइट थोड़ी सी बेस और बढ़ाते हैं तो ये चीज बनेगी पते के साथ थोड़ी सी इसकी मैचिंग हो जाएगी और अगर आप इसको आ, स्केल टू एग्जैक्ट हाइट करते हैं तो यहाँ पे आपको आइडिया थोड़ा सा होना चाहिए कि हाइट कितनी मुनासिब होगी तो आप यहाँ से उसकी हाइट को भी कर सकते लेकिन इससे उसकी ना शेप की जो एक नेचुरल लुक निकलती है वो नहीं निकलेगी ये बात बाज़ह में रखिएगा देखिए हमने हाइट तो उसकी बढ़ा दी लेकिन वो लुक खत्म हो गई उसकी अगर आप इसको इस तरह से लेके आएंगे तो फिर ये कुछ चीज़ जो है वो अच्छी बनेगी यानी लिमिट टू तो हाइट तो अब देखिए मैं यहाँ पे अगर पाँच करूँगा तो अप्लाई करने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अब उसने अपनी विड्थ को भी मेंटेन करना है लेकिन यहाँ पे हमारे पास देखें जो पत्ता है वो बड़ा खूबसूरत बन गया हुआ है ये देखें ये थ्री में उसका अफेक्ट है अब इसको आप मजीद जो भी शेप देना चाहे बसानी इसको दे सकते हैं अगर हमें इसके बाहर बॉर्डर की जरूरत पड़ जाती है अगर हमें इसके बाहर बॉर्डर की जरूरत पड़ती है तो आपको यही वाला बॉर्डर सेलेक्ट करना होगा ड्राॅइंग में आके ऑफसेट करके इन साइड पर ऑफसेट आप उसको देते हैं वन का तो ऑफसेट करें तो ये देखिए ये वन का बॉर्डर उसका ऑफसेट आ गया अब आपको क्या करना है ये और ये दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें और मॉडलिंग में आके दोबारा से उसको एक स्ट्रूट शेप दे जितना भी उसको एंगल देना चाहते हैं यहाँ पे मैं उसकी जो बेस वैल्यू है वो ज़ीरो करता हूँ बेस वैल्यू जीरो करने के बाद ये देखिए उसकी हाइट अब यहाँ पर मैं नो लिमिट कर रहा हूँ कैसे नो लिमिट करूंगा तो बड़ा माइनर सा इफेक्ट उसके ऊपर आएगा वो जितनी उसकी विड्थ है उसके मुताबिक यानी आप ये कह लें कि अगर उसकी विड्थ एक है तो पॉइंट फाइव उसकी हाइट ऑटोमेटिकली उससे जनरेट हो जाएगी क्योंकि वो हाफ ऊपर लेना है उसने या फिर उसके एंगल पे वो आएगा अगर आप फोर्टी फाइव डिग्री एंगल रखेंगे तो वो उसका हाफ लेगा अगर नाइन्टी पे लेके जाएंगे तो ऑलमोस्ट उसके मुताबिक उसको कर देगा तो ये आप थोड़ा सा इसको रखें ताकि उसकी स्मूथनेस खराब ना हो ये और इससे भी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि लिमिट टू हाइट में लेके जाए और यहाँ पे उसकी लिमिट टू हाइट में उसको जो भी वैल्यू आपने देनी है वो दें सपोज मैं यहाँ पे वन कहता हूँ अप्लाई करें तो ये चीज़ बन जाएगी तो ये देखिए बहुत खूबसूरत डिज़ाइन और आ, अगर आप यहां पे इस पोजीशन पे आते हैं तो आप फिर आप उसको एग्जैक्ट पॉइंट फाइव वैल्यू दें तो वो पूरा पॉइंट फाइव पे उठेगा तो ये भी ऑप्शन आ, अच्छा है मैं इसको रीनेम कर सकता हूं लीफ बॉर्डर के नाम पे मैंने इसको अप्लाई करके क्लोज कर दिया तो ये देखें आ, बड़ी खूबसूरती से हमारे पास एक पत्ता जो है वो डिजाइन हो गया बेसिक टेक्निक देना मेरा मकसद था जो आपके पास आ गई अब बकिया जितनी भी ये लाइंस लेयर्स जो भी हैं आप इनको ऑफ करें इवन बिटमैप को भी मैं ऑफ करता हूँ तो ये देखें आपके पास थ्री में ये डिजाइन मौजूद है आप इसको जैसे चाहे यहां से देख सकते हैं ये देखें जी नाजीर मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन भी आपके लिए बहुत कार होगा इसमें हमने एक लीफ एक पता बनाना सीखा और उसके अंदर उसके रूट्स कैसे बनाए जाते हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैंने दे दिया अब हर बंदा अपनी एक्सपर्टीज के मुताबिक इसको डिज़ाइन कर सकता है आज के सेशन में आ, हमारी कमांड वही वाली थी शेप की शेप की मदद मतलब से हमने आ, इसकी ये शेप दी और उसके नीचे टिल्ट का ऑप्शन यूज़ किया जो स्पेशली एक नया ऑप्शन था टिल्ट का ऑप्शन यूज़ करके हमने इसको बनाया फिर इसकी बाउंड्री दी अब इसमें एक चीज़ यहाँ पे मैं आ, और ऐड करता जाऊँ हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है स्मूथिंग का देखिए अगर आप महसूस कर रहे हैं कि इसमें शार्पनेस थोड़ी ज़्यादा है ओवर लग रहा है तो आप इसको थोड़ा सा स्मूथ भी कर सकते हैं लेकिन उससे पहले आपको बेक करना पड़ेगा यानी एक तो ये है कि आप अच्छा बेक क्या है वो पहले भी एक दो दफ़ा ग्रुप में ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं मैं आपको बेक के बारे में भी थोड़ा सा बता दूँ बेक बेसिकली एक ऐसा फीचर है जो आपके डिज़ाइन को मर्ज कर देता है यानी जैसे यहाँ पे अभी हमने ये देखे उसमें स्मूथिंग ट्वेंटी फाइव परसेंट ऐड हो गई है मैं इसको अगर यहाँ पे रिमूव करना चाहता हूँ तो देखे स्मूथिंग का ऑप्शन उसमें से रिमूव हो गया अच्छा ये इस वक्त हमने ये एक लेवल सेट किया और उस लेवल के अंदर हमने चार कंपोनेंट बनाए उन चार कंपोनेंट की मदद से हमने ये एक लीफ डिज़ाइन कर लिया अच्छा हमारी प्रैक्टिस इस पर है अगर मैं किसी एक कंपोनेंट को इसमें से ऑफ़ करूंगा तो वो ऑफ हो जाएगा लेकिन कई दफे ऐसा होता है कि आप मेन जैसे मैंने लीफ बॉडी को रिमूव किया तो पूरे का पूरा सेट नीचे बैठ गया ग्राउंड पे चला गया क्योंकि मैंने सारे लहदा लहदा से बनाए हुए थे तो यहां पे देखें वो सारी चीजें मर्ज होगी लेकिन अभी हम चाहते हैं कि अगर मैं इस पत्ते को किसी और जगह पे एक्सपोर्ट करना चाहूं तो मुझे अलहदा अलहदा कंपोनेंट नहीं पूरा पत्ता वहां पर जाना चाहिए ताकि मैं इसके ऊपर बासानी काम कर सकूं मुझे आ, वहां पे जाके ये फिक्र ना हो कि इसका कोई कंपोनेंट मिस हो गया या कहीं पे रह गया तो उसके लिए क्या करना होगा उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है बेक का यानी यहां से लेके मैंने देखा शिफ्ट की से मैंने ये तमाम कंपोनेंट्स सेलेक्ट किए और इसको यहां पे बेक पे क्लिक करेंगे तो ये तमाम कॉम्पोनेंट बेग होके एक लीफ बॉडी में चले गए अब ये फाइनल है इसको आप वापस जाके किसी किसी पर एडिटिंग नहीं कर सकते लेकिन इसका आपको बेनिफिट है एक वो ये बेनिफिट है कि अब आप इसको कहीं पे लेके जाते हैं कहीं पर भी आप इसको लेके जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखें कॉपी कर रहे हैं कॉपी करने के बाद आ, मैं यहाँ पे एक स्पायर और ओपन करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं तो आप इसके ऊपर किसी किस्म की कोई तब्दीली आ, का डर नहीं होना चाहिए ये एज़ इट इज़ ही यहाँ पर आएगा सपोज़ मैं यहाँ पर टू हंड्रेड की एक फाइल बनाता हूँ ये देखें ओके okay किया और मैंने यहां पे लाकर उसको पेस्ट किया अब वही वाला जो लीफ हमने वहां पे बनाया था देखे वो बेग फार्म में यहां पे आ गया इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली होने के चांस नहीं है ये देखें अब आप इसको यहां से मूव करें जो मर्जी करें इवन के आप इसको रोटेट करके इसको एक पूरा डिज़ाइन इससे ले सकते हैं यदि दरम्यान में एक तना बनाएं उस तने के ऊपर ये देखें यहाँ पर यह देखे, यह देखे, जिक्जैक्ट करता हुआ एक तना बनाएं उसके ऊपर आप इसको रखें इसकी मैं फिर कॉपी फिर पेस्ट ले रहा हूं ये देखे और इसको मैंने यहां पे ले लिया अब ये दो पत्ते आ गए इसको मैं रोटेट करवा के आ, ये रुख देता हूं जो ये देखे तो इस तरह से भाई मेरे आप बसानी इसको आ, कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं मूव कर सकते हैं कई आप एक पत्ते के साथ बेशमार डिज़ाइन बना सकते हैं आप इसके दरम्यान में एक टहनी बनाएं एक रूट बनाएं और उसके ऊपर इनको जोड़ते जाएं तो ये अच्छा बड़ा खूबसूरत डिजाइन बन जाएगा तो बेग का जो मेन फंक्शन था वो यहां पे वापस हम चलते हैं बेग का जो मेन फंक्शन था वो ये था अच्छा इसका ना एक तरीका कर ये होता है कि आपने जैसे ही ये देखे मैंने अंडू किया सब कुछ वापस आ गया तो यहां पे एक इसका बड़ा खूबसूरत तरीका ये भी होता है कि आप ये फाइल सेव कर ले ये आपके पास मास्टर फाइल बन गई इसको सेव करें और उसके बाद जब आप इसको कहीं पर लेके जाना चाहते हैं तो आप इसके क्लिप भी बना सकते हैं इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से हम छोटे छोटे कंपोनेंट जैसे मैंने ये एक लीफ बना दिया इसी पैटर्न में इसी थिकनेस के रेशो के साथ आप इसकी मजीद टहनियाँ बनाएं इसमें फ़्लावर बनाएं और अपनी लाइब्रेरी बनाते जाएं जब भी आपको डिज़ाइन बनाना पड़ेगा तो आपके ये तमाम तर लाइब्रेरी के जो हिस्से होंगे लाइब्रेरी के पार्ट होंगे आप इनको अपने पास एज अ क्लिप आर्ट सेव करेंगे और नई फाइल में बासानी इम्पोर्ट करेंगे और फाइल बनाते जाएंगे इस तरह से आपके लिए ये डिज़ाइन बनाने बहुत आसान हो जाएंगे सो so, आज हम इसको बेक का भी हमने डिस्कस कर लिया बेक के बाद मैं आपको स्मूथिंग का बता रहा था कि आपके डिज़ाइन में अगर शार्पनेस आ रही है आपके डिज़ाइन में अगर शार्पनेस आ रही है तो आप उसको स्मूथिंग टूल की मदद मतलब से आ, ये देखें वो यहाँ पे इस कंपोनेंट को सबसे पहले बेक करेगा ये बेक किया उसके बाद आप इस पर जितनी स्मूथिंग ऐड करना चाहिए ये देखें आपको मेरा ख्याल है क्लियर हो रहा होगा बॉटम तक उसमें स्मूथिंग आ रही है ये देख रहे थोड़ी सी इसमें टेपर भी आती है और ये ये हमारी जरूरत होती है जब इसको आप मशीनिंग पे लेके जाना है डायरेक्ट भी आप जाएंगे तो मसला नहीं है लेकिन ये स्मूथिंग बहुत ज़्यादा तो खैर जरूरत नहीं होती लेकिन थोड़ा बहुत इसको स्मूथ करना होता है ताकि इसका प्रीव्यू अच्छा बने ये देखें मैंने ये इसमें ऐड किया तो ओके कर दूँ तो अब इसके अंदर स्मूथिंग ऐड होगी लेकिन स्मूथिंग ऐड होने के साथ साथ ये लीफ जो है ये इसके तमाम कंपोनेंट मर्ज भी हो गए हैं तो ये बात आपके जेन में होनी चाहिए कि इससे हमें फर्क क्या पड़ेगा मैं इसको अंडू कर रहा हूं और यह तमाम कंपोनेंट वापस अपनी पोजीशन पे आ गए नाजीन उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में आ, एक नई चीज नया मेथड नया क्या लेके चीजें इसमें ऐड हो गई स्पेशली इसमें जितना भी काम होना है टेक्निक्स के साथ ही होना है ओवरऑल अगर देखिए तो बहुत ज्यादा कमांड्स नहीं है इसकी चंद एक कमांड्स है लेकिन उनको इस्तेमाल करने का जो तरीका कार है वही आपका होना है वही आपकी एक्सपर्टीज होनी है उन्हीं की मदद से आपने थ्री डी पे काम करना है मुझे इजाज़त दीजिएगा हमेशा आपकी दुआओं की मुझे जरूरत रहती है अपनी दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़